आज हमारे पास कोरोना वायरस पर अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, यानी दोनों है। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए मामले लगातार घट रहे हैं। वहीं बुरी खबर यह है कि एक नई रिसर्च के मुताबिक आपके मोबाइल फोन पर कोरोना वायरस 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। पहले कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर दिखाते हैं जो त्योहारों के मौसम में आपको सुकून दे। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जिस पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन फिलहाल कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 संक्रमण के 55,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले दो महीनों में सबसे कम है और ये एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में 706 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है और पिछले एक हफ्ते में आए मौत के आंकड़ों में ये सबसे कम है। इस वक्त कोरोना वायरस के कुल 71 लाख मामलों के साथ भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 78 लाख मामलों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 87% है, यानी हर 100 मरीजों में से 87 स्वस्थ हो रहे हैं। देश में अब तक 63 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। कोरोना वायरस के संदर्भ में एक और अच्छी खबर आई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल की शुरुआत तक देश में कोविड-19 की वैक्सीन बन सकती है और जुलाई 2021 तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चिंताजनक खबर। हालांकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आपका शरीर 14 दिनों में तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन पर यह वायरस 28 दिनों तक जीवित रहता है। ये दावा ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी ने किया है। और हालांकि पहले ये माना जाता था कि कोरोना वायरस अलग अलग सतहों पर 3 दिनों से 6 दिनों तक ही जिंदा रहता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस मोबाइल फोन, करेंसी नोट्स और स्टील पर सबसे ज्यादा यानी 28 दिनों तक जीवित रह सकता है, जबकि ऐसी ही स्थितियों में फ्लू का वायरस सिर्फ 17 दिनों तक जीवित रहता है। ये रिसर्च प्रयोगशाला के 20 डिग्री तापमान वाले अंधेरे कमरे में की गई। कम तापमान में कोरोना वायरस सबसे देर तक टिकता है। हालांकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कोरोना वायरस के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। स्मूथ सरफेस यानी समतल सतह पर यह वायरस अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन भी स्मूथ होती है, जबकि कपड़े या किसी खुदरी सतह पर यह कम जीवित रह पाता है। एक शोध के मुताबिक एक व्यक्ति दिन में लगभग 2600 बार अपना मोबाइल फोन छूता है और वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना संक्रमण फैलने में मोबाइल फोन एक बड़ी वजह है। जैसे मोबाइल्स पे है, मोबाइल पे इट कैन सर्वाइव फॉर 28 डेज। ये स्टडीज वेरियस लेबोरेटरी कंडीशंस पे हो रही है। अगर हम इसको अपने जीवन में उतारे तो कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर उसमें क्या है, हमारे लाइट, जैसे यूवी लाइट आपको पता है वो डिस्ट्रॉय करती है। अगर वो लाइट के अंदर रहेगा तो वो उतनी देर सर्वाइव नहीं करेगा। अगर वो हॉट में रहेगा तो नहीं सर्वाइव करेगा। अगर कोल्ड कंडीशन में आएगा तो वो सर्वाइव करेगा। सो ऑल दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट ऑफ दैट सर्फेस। जो पोरस मटेरियल है उसमें वायरस नहीं सर्वाइव करेगा, जो स्मूथ सर्फेस है उस पे वायरस ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करेगा। तो ये खबर आपको सावधान करनी है।